वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7 3 स्टूडियो में हम बात करने वाले प्लेऑफ का जो एनबीए का मैच होने वाला है मिलवांग बक्स वर्सेस मियामी हीट्स के बीच में। दोनों टीम का कंपेयर टू लास्ट मैच यहाँ पर 16 मई को हुआ था और वो मैच यहाँ पर इजीली यहाँ पर मिलवांग बक्स ने यहाँ पर विन कर लिया था अगेंस्ट यहाँ पर मियामी हीट्स। और उस मैच में मियामी हीट्स की तरफ से जिमी बटलर इनके जो स्टार प्लेयर थे वो भी यहाँ से खेलने रहे थे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर। सबसे पहले मिलवांग बक्स, तो मिलवांग बक्स की तरफ से आपको एज अ स्टार्टर ऑलरेडी यहाँ से देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ डेविन साजो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिल्टन स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड से, जे एंटीगोनो स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से और बिलूप स्टार्ट करेंगे सेंटर से। प्रोबेबल 5 स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं मिलवांग बक्स की तरफ से जो इनके रेगुलर स्टार्टर है। उसी के साथ साथ अगर बात करूंगा मियामी हीट्स, तो मियामी हीट्स की तरफ से केनोन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, रॉबिन्सन स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड से, जिमी बटलर स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड से, ट्यूरिजा स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड से और सेंटर से स्टार्ट करेंगे बे एडिबायो जो कि यहाँ पर इनके प्रोबेबल रेगुलर स्टार्टर है मियामी हीट्स की तरफ से, ये आपको एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। क्या कुछ रहा था लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच यहाँ पर दोनों टीम अपने यहाँ पर बैंच स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी क्योंकि यहाँ पर वो रेगुलर सीजन का मैच था, लेकिन आज का जो मैच है यहाँ पर प्ले ऑफ के मैचेस है और यहाँ पर दोनों टीमें अपनी तरफ से यहाँ पर बेच देंगी और हर एक मैच आवश्य आगे सभी टीम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो भी टीम यहाँ पर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हुई। बाकी यहाँ पर केनू स्टार्ट करेंगे, डेजार्जिक खेलेंगे एज अ बैंच प्लेयर, दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है और खास करके ध्यान रखना डार्जिक पर जिनके यहाँ पर गार्ड से सबसे बेस्ट टाइम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हो वर्ल्ड कप यहाँ पर इनके जो यहाँ पर स्टार प्लेयर थे वो यहाँ से आउट हो चुके हैं गार्ड से और उसी के साथ साथ टी हैरर पर भी ध्यान रखना, ये भी इनको भी यहाँ पर बेस्ट टाइम मिलता है डे रॉबिन सर। उसी के साथ साथ यहाँ पर केंड्रिक नून दोनों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस इस मैच में यहाँ पर इतना यहाँ पर मैटर करने वाला नहीं, फिर भी यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस क्या रहा था। लास्ट मैच तो ये खेले थे यहाँ पर अपने बैच टेन के साथ, यहाँ पर टी हैरर ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, बेस्ट आया था 16.6 रिबाउंड उसी के साथ साथ 11 असिस्ट के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेकंड मैच रहा था, तो सेकंड मैच दोनों यहाँ पर डार्जिक खेले थे एज बैच प्लेयर, 27 मिनट खेलकर 17 पॉइंट और 1 रिबाउंड इनकी तरफ से आए थे, हेरर 18 मिनट खेलकर 3.6 रिबाउंड और 2 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे। उसी के साथ साथ न्यून ने यहाँ पर स्टार्ट किया था और बेस्ट आया था 37 मिनट खेलकर 31.6 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 ब्लॉक इनकी तरफ से आया था। रॉबिन्सन 31 मिनट खेलकर 17.2 असिस्ट उसी के साथ साथ 1 स्टील इनके लिए आया था। तो चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अगर रिस्क लेना है तो किस पर लेना है, यहाँ पर टी हैरर जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है बैन से खेलेंगे, जीएल में मस्ट है मस्ट ट्राई करना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस टीम की तरफ से और यहाँ पर शूटिंग गार्ड के जो अटेम्प्ट ऑफ शॉट है बहुत ज़्यादा करेंगे, बैन से खेलेंगे लेकिन अब यहाँ पर 25 मिनट आपको यहाँ से खेलने को खेलते हुए देख सकते हैं। बाकी रॉबिन्सन 9.5 क्रेडिट के थोड़े से क्रेडिट से और एज ए स्टार्टर करेंगे ट्राई करना। बाकी जिमी बटलर 19.5 क्रेडिट के प्लेयर, लास्ट के दो मैच यहाँ पर खेले नहीं थे, थर्ड मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास आया नहीं था, 29 मिनट में 21.5 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 स्टील, आज का मैच इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ जो सेकंड मैच रहा था, सेकंड मैच में भी यहाँ पर 17 मिनट खेलकर 13 पॉइंट उसी के साथ साथ 2 रिबाउंड और 3 असिस्ट, रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर इतने 100% फिट नहीं थे इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इनको थोड़ा सा कम टाइम भी मिल रहा था, लेकिन आज का मैच इंपॉर्टेंट है, टाइम बेस्ट मिलेंगे, परफॉर्मेंस भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ट। एलो की डाला इनके यहाँ पर स्मॉल फॉरवर्ड के प्लेयर है जो कि खेलेंगे एज बैच प्लेयर और इनके यहाँ पर बैच से टाइम बेस्ट मिल सकता है। रिसेंटली मैच का परफॉर्मेंस लुगिडाला 23 मिनट खेलकर 2.2 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील इनके तरफ से आए थे, 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है, टाइम बेस्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस एवरेज रहता है, बाकी डिफेंस भी ज़्यादा खेलते हैं। यमस्ट्रूस कन्फर्म नहीं टाइम कितना मिलेगा क्योंकि रिसेंटली मैचेस में लास्ट मैच तो यहाँ पर बैच स्ट्रेंथ के साथ खेले थे, टाइम अच्छा खासा मिला था, लेकिन रिसेंटली मैचेस में इनको एज अ बैच प्लेयर यहाँ पर खेल सकते हैं, शायद इनका टाइम आपको शो नहीं होगा, लेकिन यमस्ट्रूस के लिए यहाँ पर 2 मिनट उसमें दिया था इन्होंने 2 पॉइंट और 1 स्टील और लास्ट मैच जो यहाँ पर बैच स्ट्रेंथ के साथ खेली थी तो यहाँ पर इनको टाइम बेस्ट मिला था क्योंकि यहाँ पर बैच स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ये टीम खेल रही थी और बैच के सभी प्लेयर को यहाँ पर चांस दिया जा रहा था और सभी यहाँ पर स्टार प्लेयर आउट थे तो वहाँ पर इनको टाइम बेस्ट मिला था। टियारोजा 9.5 क्रेडिट के प्लेयर है जो कि करेंगे एज अ स्टार्टर। सेकंड मैच के यहाँ पर अरिजो का परफॉर्मेंस 30 मिनट खेलकर 11.5 रिबाउंड 1 असिस्ट और 2 स्टील इनकी तरफ से आए थे, थोड़े यहाँ पर एवरेज प्लेयर है, अवॉइड भी कर सकते हो और पिक भी कर सकते हो 50-50% शो हो। बाकी बेल्जोनिक इनके तरफ से आप इनका सिलेक्शन परसेंटेज ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट से और बहुत ज़्यादा लोग इनको ट्राई कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये क्रेडिट इशू वाला मैच है। तो लास्ट मैच यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे बाल्जोनिक का, तो यहाँ पर बाल्जोनिक ने किया था स्टार्ट, उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस देख सकते हैं बेस्ट आया था,
लेकिन उससे पहले मैचेस में अगर देखेंगे तो बालजोनी को कोई भी यहाँ से जो सेकंड मैच रहा था वहाँ पर भी यहाँ पर किया था स्टार्ट, लेकिन आज का मैच खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर। उसके साथ साथ थर्ड मैच में भी यहाँ पर बालजोनी का जो परफॉर्मेंस रहा था उनके उसको इनको यहाँ पर एक भी मिनट नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर सभी यहाँ पर स्टार प्लेयर के साथ यहाँ पर ये टीम ओपन कर रही थी। उसी के साथ साथ सेकेंड मैच में यहाँ पर बालजोनी ने किया था स्टार्ट जिमी बटलर की जगह पर, लेकिन आज का मैच जिमी बटलर खेल रहे थे, इनसे यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा जितना रिसेंटली मैचेस में यहाँ से इनको मिल रहा था। एडिबायो ट्राई करना जेल में स्मॉल लीग के लिए, थोड़े से यहाँ पर रिस्की पी के सेंटर से खेलेंगे। और जो हेड टू हेड मैच हो रहा था एडिबायो का कुछ खास नहीं रहा था हेड टू हेड मैचेस में, यहाँ पर टोटल यहाँ पर फ्लॉप रहे थे। 33 मिनट खेलकर 5.8 रिबाउंड 8 असिस्ट और 2 स्टील इनकी तरफ से आए थे। एक्सपेक्ट कर रहे थे जिमी बटलर यहाँ से नहीं खेलेंगे तो ऑफेंस विचार संभालेंगे और इनके तरफ से बेस्ट आएगा, लेकिन फिर से यहाँ पर इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस गया था हेड टू हेड मैचेस में। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इनको यहाँ से आप ड्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट जो टीम है मिलवॉकी बक्स इनका यहाँ पर स्ट्रेंथ है जो डिफेंस, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। बाकी हॉलीडे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि यहाँ पर करेंगे स्टार्ट, ऑफेंस चार संभालेंगे और रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे टाइम मैचेस में अच्छे खासे यहाँ पर पॉइंट दिए रिसेंटली दो मैचेस से यहाँ पर। रिसेंटली मैचेस में अगर बात करूँ तो लास्ट मैच में यहाँ पर हॉलीडे यहाँ पर खेलने रहे थे क्योंकि बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ खेले थे, जो सेकंड मैच खेले थे परफॉर्मेंस देख सकते टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस उसे उसी हिसाब से यहाँ पर बेस्ट आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जेल में एसपीवीपी भी ऐसे आप इनको ट्राई कर सकते हो। डेविन साजो एज ए स्टार्टर खेलेंगे, लास्ट मैच का डेविन साजो का परफॉर्मेंस 28 मिनट खेलकर 11.9 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 स्टील इनके तरफ से आया था। उसी के साथ साथ कोई बेटर पिक यहाँ से आपको मिलेगा नहीं, सभी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। बाकी भी फॉवरिस जो कि आपको एज ए क्रेडिट ओवर यहाँ से मिल जाएंगे। रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस, लास्ट मैच टाइम बेस्ट मिला था, परफॉर्मेंस भी बेस्ट आया था, 14.3 रिबाउंड 1 असिस्ट और 1 स्टील एज ए क्रेडिट सेवर आप इनको ट्राई कर सकते हो। बेस्ट क्रेडिट सेवर ऑप्शन यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मिल्टन जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड से, फिर से यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है जो कि यहाँ पर टाइम अच्छा खासा मिलेगा स्टार्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज ये भी संभालते हैं, अच्छे खासे पॉइंट शूट करते हैं। लास्ट मैच 21.7 रिबाउंड और 7 असिस्ट इनकी तरफ से आए थे, बेस्ट पिक मिल जाएंगे। पिगोंगटोन 7 क्रेडिट के प्लेयर है, आज बैंक प्लेयर खेलेंगे, अवॉइड कर सकते हो बैंक से खेलते, लेकिन परफॉर्मेंस क्रेडिट के हिसाब से कुछ खास नहीं। टी एंटिकोनोमो जो कि यहाँ से आउट है तो ट्राई करने की कोशिश भी मत करना। बाकी फॉरवर्ड से जी एंटिकोनोमो जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 90% आपके अपोनेंट के पास होने वाले और 90% अपोनेंट के आपके यहाँ पर एसपी होने वाले। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 34 मिनट खेलकर 50.9 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 स्टील इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर पॉइंट प्लस रिबाउंड। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर देख सकते परफॉर्मेंस 40.15 रिबाउंड 6 असिस्ट और 1 स्टील, और उसी प्रकार का परफॉर्मेंस आज के मैच में इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट मैच है, ऑफेंसिव चार्ज संभालेंगे और अच्छे खासे पॉइंट आपको यहाँ से आपको शूट करते हुए देखेंगे। बाकी इस टीम की तरफ से ये तीनों जो स्टार्टर है तीनों इंपॉर्टेंट है, जे एंटिकोनोमो उसके साथ साथ हॉलीडे और के मिल्टन तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बिलुप्स का भी रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस आए। डेडियन साहब तो ट्राई करना है जेल में स्मॉल लीग के लिए, कुछ यहाँ पर खास ऑप्शन मुझे यहाँ पर लग नहीं रहे। बाकी सेकंड मैच में भी अगर डेडियन साहब का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खास नहीं, लेकिन बिलुप्स उसके साथ साथ हॉलीडे और एंटिकोनोमो का यहाँ से बेस्ट आया था। बाकी सेंटर से बिलुप्स का परफॉर्मेंस भी पब्लिश करेंगे आज मैच प्लेयर ट्राई कर सकते हो। बाकी मैच में थोड़ा सा आपको क्रेडिट शुरू हो सकता है जे हॉलीडे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रॉबिनसन 9.5 क्रेडिट के बेस्ट क्रेडिट से और आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। जिमी बटलर पर रिस्क ले रहा हूँ क्रेडिट की वजह से। जे एंटिकोनोमो जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सब यहाँ पर एसपी होने वाले। टीआरएसा बेस्ट प्लेयर है फिर से म्यांमार की तरफ से। उसी के साथ साथ बिलुप्स जो कि सेंटर से खेलेंगे 16.5 क्रेडिट। मैं यहाँ पर हायरो को पिक करना चाहता हूँ, लेकिन हायरो के लिए मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं। आप यहाँ पर शायद विजन अलर्ट पर इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी डार्जी के यहाँ से बेस्ट पिक अवेलेबल हो जाएंगे जो कि बैन से खेलेंगे, और बैन से ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 27+ यहाँ पर डार्जिक और हायरो दोनों यहाँ से खेलते हुए देखेंगे। तो दोनों यहाँ पर बेस्ट पिक है ट्राई करना जीएल में। बाकी स्मॉल लीग में यहाँ पर डार्जिक के साथ जा रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर खेलने उनको भी ट्राई कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर डार्जिक के साथ जा रहा हूँ और आपको भी फेवरेट जो कि यहाँ पर बेस्ट पिक यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया मैं मियामा इसकी तरफ से जो इनके स्टार प्लेयर है जिमी बटलर। उसी के साथ साथ बी एडिबायो जिनका हेड टू हेड मैच यहाँ पर बहुत ख़राब रहा था, इसी रीज़न की वजह से मैंने इनको ड्रॉप किया है। और जिमी बटलर रिसेंटली 3 मैचेस में यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाए जो कि यहाँ पर थोड़े से इंजर है, 100% फिट भी नहीं, इसी वजह से यहाँ पर मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पर क्रेडिट इशू है, इसी वजह से यहाँ पर इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। इन दोनों को ड्रॉप करके मेरी टीम जो है तो बैलेंस यहाँ पर बन जाती है। बाकी एंटिकोनोमो को यहाँ पर जेल में आप ड्रॉप करके यहाँ पर 2-3 टीम यहाँ पर जीएल में ट्राई कर सकते हो। अगर ये फ्लॉप गए तो यहाँ पर आपको जीएल में बहुत बड़ा यहाँ पर अच्छा खासा रैंक यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर सबके पास होने वाले
और सेवन जेल में भी अगर अगर आप देखेंगे तो 72-75% आपके पीपल के यहाँ पर यूएसपी भी यहाँ से आपको देखेंगे। तो फिर जेल में आप इनको ट्राई अवॉइड करके यहाँ पर ट्राई कर सकते हो जेल। बाकी बेस्ट एसपी जो है चॉइस जे एन टी क्यूनमो और बेस्ट पीपी चॉइस जे हॉलीडे भी यहाँ पे आप मिल्टन को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सेफ यहाँ पर एसपी और पीपी के साथ जा रहा हूँ जे हॉलीडे, जो कि इनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है असिस्ट प्लस पॉइंट बढ़िया करते हैं। मिल्टन भी आपको यहाँ पर रिबाउंड और पॉइंट अच्छे खासे देंगे, लेकिन जो हॉलीडे यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज ज़्यादा संभालते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनसे आप यहाँ पर बेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और उसी के साथ साथ ये मेरी ऑलमोस्ट फाइनल टीम में कोई चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं। बाकी कोई चेंजेस होते लाइनअप में तो फाइनल टीम आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर।